हेलो दोस्तों, माय नेम इज आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर, और एक बहुत ही आपकी डिमांड पर बहुत अच्छी वीडियो में लेकर के आया हूँ। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगे और आने वाली और भी वीडियोस इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाया करे। जिस प्रकार से मैं पिछले बहुत दिनों से लोकोमोटिव्स की वीडियो बनाते आ रहा हूँ, कौन सा न्यू लोकोमोटिव इंडिया में बन रहा है और किस प्रकार उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं इस बात के लिए कि कौन सा न्यू लोकोमोटिव अब आने वाला है। तो मैं आपको खबर दे देता हूं कि एक लोकोमोटिव जो बहुत दिनों से चर्चा में बना हुआ था, पिछले दिनों एक ग्रे कलर का एक लोकोमोटिव था जिसका एक स्ट्रक्चर था, वो तैयार हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा हाईली एरोडायनेमिक उसकी डिज़ाइन थी, जैसे कि फॉरेन लोकोमोटिव्स होते हैं, फॉरेन में जो ट्रेन सेट्स होते हैं उनकी जो डिज़ाइन होती है आगे से टिल्ट, वैसी डिज़ाइन थी। और वंदे भारत को इस एरोडायनेमिक डिज़ाइन के मामले में वो बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है दोस्तों, आपको दिख भी रहा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी एरोडायनेमिक डिज़ाइन उसको दी गई है। तो अब उसकी जो पहचान है वो दोस्तों रिवील हो चुकी है। अब जो पहचान उसकी रिवील हुई है वो इस जून के मंथ में 20 तारीख के आसपास उसके ऊपर जो पेंट होने के बाद जो फोटोज़ सामने आई हैं, उन फोटोज़ को देख करके हमको दिख रहा है। सबसे पहली बात, तेजस एक्सप्रेस के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि जो इसके ऊपर कलर और पेंटिंग करी गई है वो बिल्कुल मैच करता है तेजस एक्सप्रेस की लिवरी से। स्टार्टिंग में तो दोस्तों डिज़ाइन को देख करके ये भी नहीं लग रहा था कि ये कोई लोकोमोटिव है या ट्रेन सेट है, तो अब क्लियर हो गया कि एक लोकोमोटिव है। यहाँ पे ये रिवील हो चुका है ये लोकोमोटिव कौन सा है, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होगा, WAP-5 ये लोकोमोटिव है। WAP-5 लोकोमोटिव ही ऐसा लोकोमोटिव था जो कि अभी रिसर्च के लिए जा रखा है, और WAP-7 भी रिसर्च में ही जा रखा है, प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं CLW में, ये भी आगे आपको बताऊंगा। अब WAP-5 को चुना गया, क्यों चुना गया, क्योंकि हमको मैच करना थी 200 KMPH की स्पीड। 160 KMPH के लिए इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था WAP-5 को, जैसे कि गतिमान एक्सप्रेस में WAP-5 लगता ही है। वर्ष 2018 में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले लोकोमोटिव को रिवील किया गया था 2018 के खत्म होते होते। वो जो एरोडायनेमिक WAP-5 था, वो उस लोकोमोटिव की डिज़ाइन ठीक ठाक लग रही थी और अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसको हमने इतना देखा नहीं कि 200 KMPH के लिए चलाया गया हो कहीं पर, और 180 के लिए भी उसकी कोई ट्रायल हमने देखे नहीं, और जैसे लोकोमोटिव के देखे हैं या ट्रेन के देखे हैं, तो वो ट्रायल नहीं देखे हमने। इसका मतलब रेलवे संतुष्ट नहीं था उसके डिज़ाइन से, जब भी उसने उसको दोबारा से रीडेवलपमेंट फेज के लिए भेजा। लेकिन ये सब क्यों हो पाया, इसकी भी कहानी आगे बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि तेजस एक्सप्रेस क्या है। तेजस एक्सप्रेस आप लोग जानते हैं, इंडिया की एक ऐसी कॉरपोरेट ट्रेन जो कि IRCTC द्वारा चलाई जा रही है। रेलवे ने जिम्मेदारी दी हुई है IRCTC को, और ये ट्रेन IRCTC चलाता है, जो कि सब्सिडरी है हमारे इंडियन रेलवेज की। हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन की श्रेणी में ये ट्रेन आती है, तो इसके लिए ये लोकोमोटिव बनाया जा रहा है। पहले भी हमको पता है कि मुंबई से करमाली के बीच में चलने वाली सबसे पहली तेजस एक्सप्रेस, उसके लिए भी एक कलरफुल लोकोमोटिव तैयार होकर गया था, WDP-3 है। और इस लोकोमोटिव की बात बताता हूँ, ये लोकोमोटिव अकेला लोकोमोटिव नहीं है दोस्तों, ये लोकोमोटिव का जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में CLW ने जानकारी हमें कुछ महीनों पहले दे दी थी, हम ही लोग नहीं समझ पाए। ये लोकोमोटिव जो है वो पुश पुल मेथड के लिए बनाया गया है, मतलब कि उनकी पूरी कोशिश है कि हमको ट्रेन का एक्सेलरेशन इंक्रीज करना ही करना है। अब ये आइडिया कहाँ से आया, ये भी आपको आगे पता लगेगा। इस लोकोमोटिव को पीछे से सपाट बनाया गया है, और इसका जो फ्रंट है वो बिल्कुल एरोडायनेमिक है। सपाट बनाया गया है क्योंकि हमको पुश पुल मेथड ऐसा यूज़ करना है जिसमें कि लोकोमोटिव बना ही पूरी तरीके से उसी ट्रेन के लिए हो, दूसरी ट्रेन में ना लगे। आधा भाग इसका सपाट है, फिर जो पीछे लोकोमोटिव लगेगा पुश पुल में, जैसा होता है पीछे लोकोमोटिव लगता है, वो सिंक्रोनाइज्ड रहता है इस लोकोमोटिव से, जो मेन लोकोमोटिव जो लेकर के जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों का जो कमांड है वो एक कमांड दी जाती है एक लोकोमोटिव से, फिर दूसरे में अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाती है, चाहे वो वायर्ड मेथड के द्वारा या फिर वायरलेस मेथड के द्वारा, दोनों ही उपलब्ध है इंडियन रेलवे के पास। तो पीछे जो लोकोमोटिव लगा होगा वो लोकोमोटिव भी पीछे से उसका जो रियर होगा वो सपाट होगा, और फ्रंट उसका एरोडायनेमिक होगा। तो पूरी तरीके से ये वंदे भारत जैसा ही कुछ ना कुछ लुक दे रहा है। अब यहाँ से कहानी मैं आपको बताता हूँ, वंदे भारत एक्सप्रेस का आना, WAP-5 एरोडायनेमिक का 2018 में रिवील होना नवंबर के मंथ के आसपास, ये सब हमें क्या बताता है दोस्तों, मेन बात यहाँ से निकल के आती है। और CLW ने ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करा, वो भी अगर WAP-5 200 KMPH पे चलाना है तो उसको एरोडायनेमिक करना पड़ेगा, ये बात यहाँ से निकल के आती है कि 160 की स्पीड पर हम ट्रेन चला सकते हैं थोड़े से एरोडायनेमिक डिजाइन के साथ, लेकिन इसके ऊपर हम जाएंगे तो एयर ड्रैग का रोल बढ़ जाता है, और ज्यादा एरोडायनेमिक डिजाइन चाहिए होती है इस स्पीड को बरकरार रखने के लिए। तो एयर ड्रैग का जो है रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, उसे मैंने बहुत पहले समझाया भी आपको, तो उसको कम करने के लिए एरोडायनेमिक बनाया गया WAP-5 को, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2019 में हमको हमारी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस फरवरी के महीने में देखने को मिल जाती है।
ये डेवलपमेंट जो हुआ, ये इंडियन रेलवे में पहली बार हुआ डेवलपमेंट था। अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उससे पूरी कंट्री में एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि ये चीज़ अगर कामयाब हो सकती है हमारे इंडियन ट्रैक्स पर, इतनी एरोडायनेमिक ट्रेन सेट, तो इतने के लिए हम क्या अपने लोकोमोटिव में भी कुछ चेंजेस करें, ये थॉट आना शुरू होता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, अगर डेवलपमेंट होगा तभी हमारे को सोचने का रास्ता मिलेगा और आगे रास्ते खुलेंगे कि और क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। यही तो हुआ, WAP-5 इसलिए दोबारा रीडेवलप हुआ, और देखिए अब उसकी डिज़ाइन प्योरली एरोडायनेमिक हो गई है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में ट्रेन सेट्स होती हैं वैसी। अब पुश पुल मेथड भी यूज हो गया, तो हमको वो पूरा फील देगा एक ट्रेन सेट का। तो तेजस एक्सप्रेस जिसके ऊपर सवाल खड़ा हो गया था वंदे भारत कामयाब होने के बाद कि अब तेजस का क्या करें, तो ये लीजिए हमारे इंजीनियर्स ने निकाल दिया एक बहुत ही जबरदस्त लोकोमोटिव तेजस एक्सप्रेस को ट्रेन सेट वाला फील देने के लिए। और मेरे को लगता है ये प्योरली 200 kmph पर चल पाएगी आगे जा करके, जब हमारे ट्रैक्स जिनका काम बहुत तेजी से चल रहा है फेंसिंग और हो जाए उसके बाद, तो फिर हमें कुछ ऐसे रूट मिल जाएंगे इंडिया में जिन रूट्स पर हम प्योरली 162-200 kmph की ट्रेनें चलाएंगे। तो काम जारी है, ये भी हम जानते हैं। तो तेजस एक्सप्रेस को फिलहाल ये दिया जाएगा मुझे लगता है। अब आप लोग को बताता हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे CLW ने हम लोगों को बता दिया था बहुत दिनों पहले ही। रिसेंट डेवलपमेंट का एक पिक बहुत दिनों से मैं आपको दिखाता था, उस पूरी पिक्चर में कई सारे प्रोजेक्ट लिखे रहते थे फोटो के साथ में, उसी के अंदर सारा राज छुपा हुआ है दोस्तों CLW का। उसके अंदर सबसे पहली बात, हम लोगों को स्टार्टिंग में दिख जाता है कि एरोडायनेमिक प्रोफाइल वाला WAP-5 तैयार करना है, तो वो तैयार हो गया 2018 के एंड में हमको देखने को मिल गया था। अगला प्रोजेक्ट था हाई स्पीड लोको तैयार करना है जो कि 200 kmph का होना चाहिए, तो ये दोनों ही मिक्स करके एक ही लोकोमोटिव में डाल दिए, वो था WAP-5 क्योंकि वही कैपेबल था। सो दोस्तों यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है मल्टी ऑपरेशन पुश पुल ऑफ WAP-5, यही तो असली प्रोजेक्ट है दोस्तों। CLW ने हमें हिंट दे दी थी कि ये WAP-5 के साथ मल्टीपल ऑपरेशन करना चाहते हैं पुश पुल मेथड का यूज करके। उनको बस डिजाइन का आइडिया वंदे भारत और धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं इंडिया में उससे मिल गया, उन्होंने एरोडायनेमिक डिजाइन इसको दे दी। और अब उन्होंने इसमें पॉइंट रखे थे सामने एनॉर्मस पावर ऑफ 12,000 horsepower, 12,000 horsepower की पावर जनरेट होगी जब ये दो लोकोमोटिव आगे पीछे लगेंगे एक ट्रेन में, तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट है ये। ओनली लोकोमोटिव ओवर इंडियन रेलवेज विथ स्पीड ऑफ 160-200 kmph और कैपेसिटी ऑफ होलिंग 26 कोचेस ऑफ ट्रेन, इतनी ज़्यादा हॉर्स पावर होने के बाद में ये जो लोकोमोटिव तैयार होंगे इनसे हम 26 कोच की ट्रेन को भी खींच पाएंगे। तो लंबी दूरी की ट्रेन मेरे को लगता है कि हो सकता है ऐसा खींच पाएगा ये, क्योंकि तेजस के लिए 150 और भी आगे आने वाली हैं कॉरपोरेट ट्रेन्स, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के लोकोमोटिव इसीलिए भी तैयार करे जा रहे हूँ, रेवेन्यू भी जनरेट करना है इंडियन रेलवेज को कि अब उनको और भी ट्रेन लानी है तो उनके अंदर ये लोकोमोटिव लगाए जाए और इतना लंबा कर दिया जाए उन ट्रेन को, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल फुली एसी ट्रेन हो, स्लीपर हो, लंबी दूरी की हो, तो आने वाले टाइम पे हमको देखने को मिल सकता है कि तेजस के अलावा स्लीपर वर्जन जो आएंगे उसमें भी ये चीज़ देखने को मिले। और अगला उन्होंने बताया कि मोड ऑफ ऑपरेशन उनका होगा बैक टू बैक मल्टीपल ऑपरेशन, जैसे कि आपको पता आगे पीछे, और वायर्ड पुश पुल एंड लोको एट ईच एंड ऑफ रेक, मतलब कि वायर्डली भी कनेक्ट हो सकते हैं ये लोकोमोटिव। और साथ में अगला बताया उन्होंने कंप्लीट इंडिजीनियस डेवलपमेंट, मतलब इंडिया में ही पूरी तरीके से तैयार हो, हमको मेक इन इंडिया के अंदर इसको बनाना हो, जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं बहुत सारे डेवलपमेंट जो हो रहे हैं। अगला एडवांटेज क्या होंगे, हाई एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। मेनली हमको क्या करना है, ट्रेन स्टेशन पर रुके और फिर कभी सिग्नल के लिए रुके तो वो जब भी एक्सेलरेट करे तो एवरेज स्पीड इंक्रीज हो उसकी, ज़्यादा एक्सेलरेशन दिया जाए हर जगह। तो ट्रेन सेट तो ये कर सकते हैं आराम से, लेकिन लोकोमोटिव वाली ट्रेन अभी थोड़ा सा पिछड़ रही थी, लीजिए हमारे लिए एक बहुत बढ़िया रेलवे ने निकाल दिया लोकोमोटिव को भी सुधार करके। लोअर कपलिंग फोर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दो लोकोमोटिव खींचते हैं तो कपलिंग फोर्स रेक और लोकोमोटिव के बीच में कम हो जाती है। वो कैसे होता है, जब एक लोकोमोटिव खींचता है तो उसके ऊपर ही पूरा दबाव होता है पूरी ट्रेन को खींचने का, उसकी कपलिंग को बहुत ज़्यादा फोर्स झेलना पड़ती है जिससे कपलिंग में कुछ भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन जब दोनों लोकोमोटिव खींचते हैं तो उनका एक लोकोमोटिव को दूसरा लोकोमोटिव सपोर्ट कर रहा होता है पीछे से, तो दोनों की कपलिंग में ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद में अगली चीज़ उन्होंने कही कि जर्क फ्री ऑपरेशन पुश पुल मोड, तो पुश पुल मोड में जर्क फ्री ऑपरेशन होगा क्योंकि दोनों लोकोमोटिव इस ट्रेन को स्टेबिलिटी देंगे ऑल ओवर द जर्नी। स्टेबिलिटी मतलब कि दोनों ही एक तरफ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ट्रेन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, CLW ने यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ पहले ही रिवील कर दिया था इस लोकोमोटिव का बनना
आपको कैसा लगा तेजस एक्सप्रेस में लगेगा। तो दोस्तों अब जब डेवलपमेंट हो गया है, अगर ये कामयाब रहता है, हमको तो पता है कि कामयाब रहेगा, तो आगे आने वाले दिनों में जो 150 ट्रेन और चलाएगा IRCTC, उसमें तो ये देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है हमारी जो और प्रीमियम ट्रेन से शताब्दी हो गई, राजधानी हो गई, जिनमें पहले से पुश पुल ट्राई किया जा रहा है राजधानी एक्सप्रेसेस में, तो उनके अंदर भी ये लोकोमोटिव आ ही जाएंगे। और उनका डिज़ाइन क्या होगा वो आगे आने वाला टाइम में बताएगा। अब आपके दिमाग में बहुत सारे जो क्वेश्चन चल रहे होंगे, सबसे पहली बात, राजधानी एक्सप्रेस का जो फ्यूचर है उसके लिए कुछ लोकोमोटिव या फिर ट्रेन 20, ट्रेन 18, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट से कैसे रिलेटेड हैं। WAP-7HS का भविष्य, मतलब 9000 हॉर्स पावर में बदलना, ये भी तो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसी पिक में लिखा भी हुआ है जो मैंने आपको दिखाई। ये सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट से कैसे रिलेटेड हैं जो ये लोकोमोटिव बनकर तैयार हुआ है, तो इन सभी चीज़ों का जवाब मैं अगले पार्ट में दे दूंगा। बहुत जल्दी ही वो पार्ट आ जाएगा। आप इस पार्ट को देख करके आपको कैसा लगा बताइएगा। इस लोकोमोटिव ने हमारे अंदर एक जान फूंक दी है कि हमको भी लगता है कि अब लोकोमोटिव का भविष्य भी इंडिया में अंधकार में नहीं है, फ्यूचर ब्राइट ही है लोकोमोटिव हॉलिंग ट्रेन्स का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।